प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 3 डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स में टॉपिक डिजाइनेशन एंड डायमेंशंस ऑफ स्क्रू थ्रेड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डिजाइनेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स को कैसे डिजाइनेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 4218 पार्ट 4 1976, the complete designation of the screw thread shall include. Screw threads का complete designation जो है IS 4218 part 4 1976 के according, Indian standards के according, एक तो size designation होता है और दूसरा tolerance designation होता है। पहला जो size designation है उसमें the size of the screw thread is designated by the letter M. इसमें हम M से स्टार्ट करते हैं, इसको जब डिजिग्नेट करेंगे तो M से स्टार्ट करेंगे, फॉलोड बाय द डायमीटर एंड पिच, और उसके बाद में डायमीटर लिखते हैं उसका, बोल्ट का या नट का या स्क्रू का जो भी डायमीटर है वो डायमीटर लिखेंगे, और फिर क्रॉस लगा करके पिच लिखेंगे उसका कि उसका पिच कितना है। The two being separated by the sign cross, मतलब diameter और pitch दोनों के बीच में cross लगेगा। पहले तो M लिखेंगे, फिर बाद में उसका diameter, कितने diameter का वो bolt है वो diameter लिखेंगे, फिर cross करके उसका pitch लिखेंगे कि कितने pitch के उसमें thread है। When there is no indication of the pitch, यदि उसमें कोई pitch नहीं लिखा हुआ है तो इट शैल मीन्स ए कोरस पिच इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब यह है कि वो कोरस थ्रेड है जिसमें कि कोरस का इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। कोरस में हम केवल ये डायमीटर ही देंगे और उसमें ये जो पिच है वो नहीं होगा, केवल डायमीटर होगा, उसमें पिच नहीं होता है। पिच जो है वो केवल हम फाइन सीरीज में ही देते हैं। नाउ टॉलरेंस डेजिग्नेशन, सेकेंड है टॉलरेंस कैसे डेजिग्नेट करेंगे। दिस शैल इंक्लूड ए फिगर डेजिग्नेटिंग टॉलरेंस ग्रेड एज इंडिकेटेड बिलो। अब टॉलरेंस ग्रेड कैसे देते हैं, 7 फॉर फाइन ग्रेड, यदि फाइन ग्रेड का है थ्रेड तो उसको हम 7 लिखेंगे। इन दोनों लिखने के बाद में M डायमीटर और पिच लिखने के बाद में वहाँ हम 7 लिखेंगे यदि फाइन ग्रेड का है तो, और 8 लिखेंगे फॉर नॉर्मल और मीडियम ग्रेड के लिए, और 9 लिखेंगे फॉर कोरस ग्रेड के। तो वो किस ग्रेड का थ्रेड है उसके अकॉर्डिंग 7, 8 या 9 लिखा जाएगा। तो ये टॉलरेंस डेजिग्नेशन है जिसमें कि टॉलरेंस ग्रेड हम इंडिकेट करते हैं कि वो किस तरह का फाइन ग्रेड का है या नॉर्मल या मीडियम ग्रेड का है या कोरस ग्रेड का है। जिस ग्रेड का होगा तो वो नंबर उसका लिख दिया जाएगा। और बी है ए लेटर डेजिग्नेटिंग द टॉलरेंस पोजीशन एज इंडिकेटेड बिलो। फिर उसके बाद में उसकी टॉलरेंस पोजीशन बताई जाती है कि जो थ्रेड की टॉलरेंस पोजीशन क्या है। यदि उसमें एच है तो फॉर यूनिट थ्रेड होगा, डी है तो फॉर बोल्ट थ्रेड विथ अलाउंस होगा, और यदि H लिखा है तो फॉर बोल्ट थ्रेड विदाउट अलाउंस। यदि H लिखा है तो यूनिट थ्रेड होगा, D लिखा है तो बोल्ट थ्रेड विथ अलाउंस होगा, और H लिखा है तो फॉर बोल्ट थ्रेड विदाउट अलाउंस। अब हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए बोल्ट थ्रेड ऑफ 6 mm साइज, एक बोल्ट थ्रेड है जिसका कि आउटसाइड डायमीटर 6 mm का है, ऑफ कोरस पिच, उसका कोरस पिच जो है उसमें कोरस पिच है 6 mm का, तो डायमीटर है कोरस पिच का है, एंड विथ अलाउंस ऑन द थ्रेड्स, कोरस पिच एंड विथ अलाउंस ऑन द थ्रेड्स, एंड नॉर्मल और मीडियम टॉलरेंस ग्रेड, मीडियम टॉलरेंस ग्रेड है, नॉर्मल या मीडियम टॉलरेंस ग्रेड है इज डेजिग्नेटेड एज। तो इसको हम ऐसे डेजिग्नेट करेंगे, पहले सबसे पहले तो M लिखते हैं, M लिखने के बाद में उसका डायमीटर लिखेंगे, और चूंकि ये कोरस सीरीज का है तो इसलिए 6 के बाद में हम इसका पिच नहीं लिखते। फिर डैश लिख करके
फिर हम यहाँ पर 8 हमने दिया है, 8 ये बताता है कि यहाँ पर कौन सा टॉलरेंस है, टॉलरेंस डेजिग्नेशन क्या है इसका, जैसे हमने पहले ही देखा था अभी कि 6-7 जो है वो फाइन ग्रेड को शो करता है और 8 जो है वो नॉर्मल ग्रेड को शो करेगा और 9 जो है वो कोरस ग्रेड को शो करेगा। तो जब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये नॉर्मल ग्रेड का है। तो इस तरह से M, तो M से हम स्टार्ट करेंगे, 6 तो जो है वो उसका डायमीटर होगा और 8 जो है वो नॉर्मल ग्रेड होगा या मीडियम ग्रेड का होगा, मीडियम टॉलरेंस ग्रेड होगा, और D जो है वो इसका फॉर बोल्ट थ्रेड विद अलाउंस को शो करेगा। नाउ ये डेजिग्नेशन 6 फॉर द डायमीटर, ये जो 6 है वो डायमीटर के लिए है। टॉलरेंस डेजिग्नेशन में 8 जो है वो मीडियम ग्रेड को शो कर रहा है, यदि यह नो होता तो वो हायर होता, इससे ज़्यादा वाला जो है कोरस ग्रेड होता। और इसमें डी जो है फोर बोल्ट थ्रेड को शो कर रहा है, बोल्ट थ्रेड विथ अलाउंस को। नाउ स्टैंडर्ड डाइमेंशंस ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स की स्टैंडर्ड डाइमेंशंस, उसके स्टैंडर्डाइज, जैसे कोड आया आउटसाइड आया है तो उसका कोड आया स्टैंडर्ड होगा, उसका पिच स्टैंडर्ड होगा, उसका स्ट्रेस एरिया स्टैंडर्ड होगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है वो उस एक टेबल में दिया हुआ है। द डिज़ाइन डाइमेंशंस ऑफ ISO स्क्रू थ्रेड्स फॉर स्क्रू बोल्ट एंड नट्स ऑफ कोरस एंड फाइन सीज आर शोन इन बिलो टेबल 1। ये टेबल 1 में दिखाया गया है कि ISO स्क्रू थ्रेड्स हैं फॉर स्क्रू बोल्ट और नट के, तो इनके जो डायमेंशंस है कोरस और फाइन सीरीज के लिए, तो वो यहाँ टेबल में दिखाया हुआ है। डिज़ाइन डायमेंशंस ऑफ स्क्रू थ्रेड बोल्ट्स एंड नट्स अकॉर्डिंग टू IS 4218 Part 3 1976। तो ये तो डेजिग्नेट किया हुआ है कि M कोरस सीरीज का है, तो M 0.04, 0.06, M 0.08, इस तरह से M1, M2, M3, M4, तो M से स्टार्ट किया और बाद में ये इसका डायमीटर बता रहा है कि कितना डायमीटर है, कितने डायमीटर का वो बोल्ट है। जैसे 4 डायमीटर का बोल्ट है, आउटसाइड डायमीटर का 4 है या क्या है। फिर इसके बाद में ये पिच दिए हुए हैं, पिच में कि कितना उसका पिच है, उसके जो थ्रेड है उनका पिच क्या है। जैसे 4 डायमीटर का आउटसाइड डायमीटर है तो उसमें और इसमें 0.7 का पिच है, जो थ्रेड्स बने हुए हैं वो 0.7 के पिच पे हैं। अब इसका जो 4 का है तो नेचुरली उसका मेजर या नॉमिनल डायमीटर वही होगा जो यहाँ पर है, नॉमिनल डायमीटर 4 होगा। फिर इसका कोर डाया जो है वो माइनर डाया, तो ये जो माइनर डाया है दिस इज, ये करीब 84% होता है नॉमिनल डायमीटर का, ये करीब 80% होता है नॉमिनल डायमीटर का, तो ये बोल्ट के लिए और ये नट के लिए। फिर इसके बाद में ये डेप्थ ऑफ थ्रेड है कि थ्रेड की डेप्थ कितनी होगी, यानी कि मेजर डाया और माइनर डाया के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो उसकी डेप्थ ऑफ थ्रेड है। माइनर रेडियस, मेजर रेडियस और माइनर रेडियस या कोर रेडियस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेप्थ ऑफ थ्रेड है। इफेक्टिव और पिच डायमीटर, ये इमेजिनरी डाया है, इमेजिनरी सिलेंडर है जो कि अप्रोक्सीमेटली मेजर डाया और मिनिमम डाया या कोर डाया इसके बीच में रहता है। ये स्ट्रेस एरिया, ये इसको कैलकुलेट करके
और ये स्ट्रेसेज निकला हुआ है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ये पहला तो ये डेजिग्नेशन शो कर रहे हैं। ये फाइन सीरीज में देखिए यहाँ पर एम 8x1 लिखा है, एम 16x1.5 लिखा है। तो 16 तो डायमीटर को शो कर रहा है, एम से स्टार्ट किया हमने, 16 डायमीटर को शो कर रहा है। ये देखिए डायमीटर जो है नॉर्मल डाया, ऑफसेट डाया 16 है, तो ये 16 तो डायमीटर को शो कर रहा है। फिर इसमें बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे और ये 1.5 जो है वो पिच को शो कर रहा है। इसका यहाँ देखिए ये जो पिच है वो 1.5 का है, 1.5 mm का पिच है। ये सारी डायमेंशंस mm में है, तो ये mm को शो करेगा, ये पिच को शो करेगा कि 1.5 mm का पिच है। इस तरह से यहाँ पर ये आउटसाइड डायमीटर है, फिर ये मेजर डायमीटर में उनमें ये जो है पिच डाया को शो कर रहा है, और ये दोनों जो चीज़ हैं ये नट बोल्ट और नट के लिए, बोल्ट और नट के लिए माइनर और कोर डाया है। तो अब यहाँ देखिए ये जैसे 16 का है तो 16 में करीब 14 जो है 14.16 ये बोल्ट के लिए कोर डाया होगा, और 14.37 ये नट के लिए कोड आया होगा। फिर इसके बाद में यहां पर ये डेप्थ दी हुई है, ये डेप्थ जो है मेजर रेडियस और माइनर रेडियस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेप्थ कहलाई है। तो ये 0.920 दी हुई है, 16 mm के डायमीटर का बोल्ट है उसके लिए, और ये स्ट्रेस एरिया 167 mm स्क्वायर इसका स्ट्रेस एरिया है। इसमें रेफरेंसेस हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस कर्णी एंड लेख लिखता। थैंक्स।